न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गायक हनी सिंह को पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के आदेश। चकमा दे गई जख्मी बाघिन, गले में फंसा है तार का फंदा। देखते हैं आप खबरें विस्तार से। अश्लील गाने YouTube पर अपलोड करने के मामले में रैप गायक हनी सिंह को पाचपौली पुलिस स्टेशन में हाजिर होने का आदेश सत्र न्यायालय ने बुधवार को दिया है। इस मामले में गायक हनी सिंह को अपनी आवाज के नमूने देने के लिए 4 से 11 फरवरी तक की समय अवधि दी गई है। यह आदेश न्यायाधीश SASM अली ने हनी सिंह को विदेश दौरे के अनुमति के दौरान दिया है। इसमें पहले जनवरी माह में सुनवाई के दौरान पाचपौली पुलिस को गायक हनी सिंह के आवाज के नमूनों को रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया था। पाचपौली पुलिस ने 10 जनवरी को हनी सिंह को पत्र भेजकर 25 जनवरी तक उपस्थित होने का आदेश दिया था, लेकिन हनी सिंह ने व्यस्तता का हवाला देते हुए पेश होने में असमर्थता जताई थी। ऐसे में विदेश जाने की अनुमति मांगने पर पुलिस ने हनी सिंह की अनुपस्थिति की जानकारी न्यायालय को दी है। इसके बाद सशर्त विदेश जाने की अनुमति देते हुए पाचपौली पुलिस स्टेशन में आवाज के नमूने देने का आदेश न्यायालय ने दिया है। YouTube पर अश्लील गाने अपलोड करने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर पाचपौली पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। यह शिकायत व्यवसायी आनंद पाल सिंह जब्बल ने दर्ज कराई है। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज नहीं होने पर व्यवसायी जब्बल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर 26 अप्रैल 2014 को IT एक्ट 67 समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। FIR दर्ज होने पर 27 अक्टूबर 2015 को गायक हनी सिंह को गिरफ्तारी पूर्व जमानत दी गई। जमानत की शर्त के मुताबिक हनी सिंह को विदेश जाने के पहले न्यायालय की अनुमति लेना है। 29 जनवरी से 4 फरवरी के बीच कार्यक्रम के लिए दुबई जाने का न्यायालय से हनी सिंह ने अनुमति मांगी थी। न्यायालय ने विदेश जाने की अनुमति देने के साथ ही 4 से 11 फरवरी तक पाचपौली पुलिस स्टेशन में आवाज के नमूने रिकॉर्ड करने का आदेश दिया है। अगली खबर पेज व्याघ्र प्रकल्प के अंतर्गत एक वयस्क बाघिन के गले में तार का फंदा फंसा है, जिससे वह जख्मी हो गई है। वन विभाग इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका इलाज कर सके, लेकिन बुधवार को बाघिन ने टीम को चकमा दे दिया। शिलाजीत परिसर में बाघिन दिखने के बाद वन विभाग ने इसे ट्रैंक्यूलेट करने का प्रयास किया, लेकिन निशाना चूकने से बाघिन हाथ में नहीं लगी। जानकारी के अनुसार पेज व्याघ्र प्रकल्प में 5 दिन पहले पश्चिम पेज में एक बाघिन का फुटेज वन विभाग को मिला है, जिसमें बाघिन के गले में तार का फंदा फंसा देखा गया, जिससे बाघिन जख्मी हो गई है। ऐसे में वन विभाग ने इसे पकड़ने के लिए कुल 9 टीमें तैयार की है। बुधवार को बाघिन के लोकेशन पता चलने के बाद एक टीम ने जाकर उसे पकड़ने के लिए ट्रैंक्यूलेट करने का प्रयास किया, लेकिन निशाना चूक जाने से बाघिन भाग निकली। सूत्रों की माने तो बाघिन के गले में घाव हो गया है। तेजी से झटका मारने के बाद तार उसके गले में घुस गया है, जिससे जख्म बढ़ गया है। ऐसे में जख्म से बदबू भी आ रही है। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।